प्रोफेसर लॉकडाउन से मशहूर ब्रिटेन के वैज्ञानिक नील फर्ग्यूसन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महामारी के मामले में वो सरकार के प्रमुख सलाहकार थे। इनकी सलाह के बाद ही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में 23 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नील फर्ग्यूसन ने लॉकडाउन के दौरान एक महिला को दो मौके पर अपने घर आने दिया था। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मुझे इसका बेहद अफसोस है। संक्रमण को रोकने के लिए सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दे रही है और मैंने इसका उल्लंघन किया। सरकार का आदेश हम सभी की सुरक्षा के लिए है। नील सेंटर फॉर ग्लोबल इंफेक्शियस डिजीज एनालिसिस के डायरेक्टर हैं। इसी संस्था ने जनवरी में दुनिया को कोरोना के खतरे से आगाह किया था। ये संस्था सरकारों और WHO को अफ्रीका में इबोला से लेकर कोरोना महामारी तक के मामलों में सलाह देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन में अब तक 28,000 से ज़्यादा जान जा चुकी है। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा मौतें यहीं हुई हैं। ब्रिटेन में सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की दुकानें खोलने की फ़िलहाल इजाज़त है।